Welcome to the channel. In this video, I'm going to cover all important current affairs of 14th October. For PDF of this video, आप हमें Telegram पे join कर सकते हो. Join करने के लिए simply आपने search करना है हमारे channel का नाम Next Exam IQ and join करना. आज पहली बार visit कर रहे हो, channel को subscribe करके bell notification icon जरूर press कर लीजिएगा ताकि morning में 5 बजे आप तक current affairs की videos की notification पहुंच जाए. Video के अंत तक जरूर देखें because at the end of the video daily आपसे questions पूछे जाते हैं फ्रॉम लास्ट सिक्स मंथ करंट अफेयर जो रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प कर रहे हैं. जो कल क्वेश्चन पूछे थे उनके भी आंसर्स एट द एंड ऑफ द वीडियो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. सो लेट स्टार्ट टूडेज इंपॉर्टेंट वीडियो. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू हैव कम्प्लीटली डिजिटल हाईटेक क्लासरूम्स. तो फर्स्ट इंडियन स्टेट कौन सा बन चुका है? सो द स्टेट इज ऑप्शन नंबर डी केरल. केरल बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू हैव कम्प्लीटली डिजिटल हाईटेक क्लासरूम्स. ये आप याद रखेंगे. केरल के बारे में सीएम इज पिनराई विजयन एंड गवर्नर इज आरिफ मोहम्मद खान. ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स केरल के बारे में जो बेसिक आपको पता होने चाहिए. इंडिया का फर्स्ट वुमेन ट्रेड सेंटर जिसका नाम रीच था वो केरल में ओपन हुआ है, वो आप याद रखेंगे. एंड उसके बाद इंडिया का फर्स्ट एलिफेंट रिहैब सेंटर वो भी केरल में ओपन हुआ. एंड टर्टल रिहैब वो हमारा बिहार में ओपन हुआ था, वो आप याद रखेंगे. मैरीन एम्बुलेंस केरल स्टेट द्वारा स्टार्ट की गई थी. एयर एम्बुलेंस कर्नाटका द्वारा स्टार्ट की गई थी, वो आप याद रखेंगे. एंड अगर तमिलनाडु की बात करूँ तो उन्होंने वुमेन एम्बुलेंस ड्राइवर हायर की थी. तो ये तीनों पॉइंट सेपरेटली अपने याद रखने. इंडियन नेवी का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट 3 मेगावाट का वो केरल में स्टार्ट किया गया था, कमीशन किया गया था. तो ये कुछ पॉइंट्स आपने याद रखने रिलेटेड टू केरल. फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करने वाला भी केरल ही बना था, वो आप याद रखेंगे. ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट करते हैं. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिलीज्ड ए कमेमोरेटिव कॉइन ऑफ आरएस हाउ मच रुपीस टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजमाता विजय राजे सचिंदा. इनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य पे 12 अक्टूबर को 12th अक्टूबर को इनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी मार्क की गई. तो उसी दिन के उपलक्ष्य पे एक कॉइन रिलीज किया गया हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा. तो आपको बताना है कि कितने रुपीज़ का. सो 100 रुपीज़ इज़ द करेक्ट आंसर. एंड इनके बारे में मैंने यहाँ डिटेल शेयर की गई है. इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग मेम्बर ऑफ रूलिंग बीजेपी. ओके, थ्रू वर्चुअल सेरेमनी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे लॉन्च किया. द स्पेशल कॉइन हैज़ बीन मेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ओके, एंड विजय राजे हु डेडिकेटेड हर लाइफ टू द पुअर्स इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज द राजमाता ऑफ ग्वालियर. तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे. 100 रुपीज़ का कॉइन रिलीज किया गया हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा. नेक्स्ट करते हैं. व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया अमंग 158 कंट्रीज इन द 2020 कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स. तो हमारे इंडिया का रैंक क्या आया अमंग 158 कंट्रीज, ये आपने बताना. सो हमारा रैंक आया 129. ओके, ये आपने याद रखना है. एंड इसमें टॉप किया जी नॉर्वे ने. एंड सॉरी साउथ सूडान सो सबसे लोवेस्ट रैंकिंग में रहा 158th पोजीशन पे. तो ये 3rd एडिशन था, ये आपने याद रखना. नेक्स्ट इज एंड गाइस, ये स्पेशल ई बुक भी आपके साथ शेयर की जा रही है. लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर का कंपाइलेशन मिल जाएगा आपको. अप्रैल से लेकर सितंबर तक के करंट अफेयर 3000+ करंट अफेयर आपको स्पेशल ई बुक में मिलेंगे फॉर द अपकमिंग एग्जाम लाइक जेकेएसएसबी, पंचायत अकाउंट, असिस्टेंट रेलवे या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लीजिएगा, ज़रूर इसका बेनिफिट उठाएं. विच स्टेट सीएम लॉन्चेस जगनन्ना विद्या कनुका स्कीम टू डिस्ट्रीब्यूट स्कूल किड्स अमंग द पुअर चिल्ड्रंस ऑफ द स्टेट. तो स्कूल किड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे अंडर दिस योजना. जहाँ जगनन्ना हो तो यू कैन ईजली गैस की इज रिलेटेड टू आंध्र प्रदेश. एग्जैक्टली, ये भी आंध्र प्रदेश के ही रिलेटेड है. सो दिस स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द स्टेट आंध्र प्रदेश टू हेल्प पुअर चिल्ड्रंस डिस्ट्रीब्यूट स्कूल किड्स, जिसमें बैग बुक्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट इंक्लूडिंग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे आंध्र प्रदेश. नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंसेज हैज़ बीन डिक्लेयर्ड. ये आपको बताना है कि ये अवार्ड दे दिए गए तो किसे दिए गए, ये आपने बताना. फॉर द इम्प्रूवमेंट्स टू ऑक्शन थ्योरी एंड इन्वेंशंस ऑफ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट्स. तो 2 पर्सन को सम्मानित किया गया, पॉल आर मिलग्रोम एंड रॉबर्ट बी विल्सन. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी. ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एंड अब कंप्लीट हो चुके. सो आई विल ट्राई कि मैं विद इन 3 or 4 days आपके लिए स्पेशल जो मैंने आपके साथ बोला था ट्रिक शेयर करूँगा टू रिमेंबर दिस नोबेल प्राइज 2020. आई विल श्योरली शेयर विद इन 2 or 3 days. यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल स्मृति ईरानी हैज़ लॉन्च फर्स्ट एवर ब्रांड एंड लोगो फॉर इंडियन कॉटन ऑन 2nd World Cotton Day थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस. एंड इसका जो नाउ इंडिया'ज प्रीमियम कॉटन वुड बी नोन बाय
द नेम कस्तूरी कॉटन. ओके, कस्तूरी कॉटन के नाम से जो प्रीमियम क्वालिटी का कॉटन होगा वो अब जाना जाएगा. एंड इम्पॉर्टेंट है ये आप याद रखेंगे, 7 अक्टूबर को हमने लाइक जो वर्ल्ड कॉटन डे ऑब्जर्व किया जाता है, तो उसी दिन के उपलक्ष्य पर ये इस ब्रांड को लॉन्च किया था, इस लोगो को. एंड इसका नाम याद रख लीजिएगा, कस्तूरी कॉटन, ये इम्पॉर्टेंट है. यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल स्मृति ईरानी द्वारा इसे लॉन्च किया गया. विच इंडियन स्टेट लाइक विच स्टेट इन्वायरमेंट मिनिस्टर पास्ड अवे ड्यू टू कोविड 19, तो कोरोना वायरस की वजह से इनका इनकी डेथ हो गई. आपको बताना है कि कौन से स्टेट के इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स, इनका नाम सी एम चैंग. सो ये स्टेट इज नागालैंड. नागालैंड से आपको ज़रूर अभी अश्विनी कुमार का नाम याद आ रहा होगा, एक्स डायरेक्टर ऑफ CBI एंड गवर्नर ऑफ नागालैंड एंड मणिपुर सुसाइड केस जो अभी रजिस्टर किया गया, अश्विनी कुमार, वो भी आप याद रखेंगे. सो नागालैंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नचीपू टनल इज़ इन विच इंडियन स्टेट, तो ये टनल कहाँ पे है ये आपने बताना है. इस टनल का भी उद्घाटन किया एंड इसके साथ साथ 44 ब्रिज का उद्घाटन किया गया. सबसे पहले तो ये टनल है जी हमारे अरुणाचल प्रदेश में, जिसका उद्घाटन हमारे राजनाथ सिंह द्वारा किया गया. अब ये टनल एंड इंक्लूडिंग 44 ब्रिज एंड दिस वाज द लाइक रिकॉर्ड कि इतने सारे ब्रिज एक साथ इसका उद्घाटन किया गया. तो अब इसमें ये ब्रिज, ये जो टनल है ये तो हमारा अरुणाचल प्रदेश में है. एंड अगर 44 ब्रिज की बात करूँ, वैसे अब सारे तो आपको याद नहीं रखने, बट सबसे ज़्यादा ब्रिज जो इनॉग्रेट हुए वो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में हुए. 10 ब्रिज जो BRO द्वारा बनाए गए, 10 ब्रिज जम्मू एंड कश्मीर में, 8 ब्रिज हमारे लद्दाख में, यूनियन टेरिटरी लद्दाख में, 2 ब्रिज हमारे हिमाचल प्रदेश में. ओके, एंड इस तरीके से अब आपको सारे याद नहीं रखने, टोटल आप ज़रूर याद रख सकते हो 44. एंड इसका करेक्ट आंसर अरुणाचल प्रदेश. 8 इंडियन बीचेस गॉट ब्लू फ्लैग टैग सर्टिफिकेशन. ओके, तो ब्लू टैग सर्टिफिकेशन 8 इंडियन बीचेस को दे दिया गया. अब इस पर क्या चीज़ें देखी जाती है, वहाँ का इन्वायरमेंट देखा जाता है, वहाँ की वाटर मैनेजमेंट देखा जाता है, वहाँ की स्वच्छता देखी जाती है. तो इस चीज़ को देखते हुए, एसेस करते हुए, हमारे लाइक दिस वॉज ऑल्सो द रिकॉर्ड कि हमारे 8 बीचों को एक साथ मतलब ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया. अभी 8 बीच कौन कौन से हैं, डिटेल मैंने यहाँ पूरी शेयर की है. कर्नाटका के 2 बीच हैं हमारे, आंध्र प्रदेश के बीच हैं, उसके बाद उड़ीसा के बीच हैं, अंडमान एंड निकोबार के केरल के बीच हैं. बाकी आप ये डिटेल्स आप देख सकते हो, स्लाइड में आपको मिल जाएगी, आप PDF में पढ़ सकते हो. सो टोटल 8 नंबर ऑफ बीचेस गॉट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन. एंड ये सर्टिफिकेशन दिया किस किस ने, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसमें मिलकर काम करती हैं, लाइक यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन एंड इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. तो इन सारों ने मिलकर 8 इंडियन जो बीचेस हैं उनको सर्टिफाई किया. तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे. कार्लटन चैम्पियन पास्ड अवे, इनका निधन हो गया. ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड, तो ये आपने बताना है. सो ये थे जी हमारे फुटबॉलर, कैप्टन भी रह चुके थे एंड इनका निधन हो गया. फर्स्ट बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कजाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर कौन बने कजाकिस्तान के न्यू, ये आपने बताना है. सो द न्यू प्राइम मिनिस्टर इज सादर जापारोव, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एंड अबाउट द कंट्री, बिशेक इज द कैपिटल एंड कजाकिस्तानी सोम इज द करेंसी. हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ तजाकिस्तान, तजाकिस्तान के न्यू लाइक प्रेसिडेंट कौन चुने गए ये आपने बताना. जो न्यू प्रेसिडेंट बने, इमोमोली रहमोन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एंड दुशंबे इज द कैपिटल एंड तजाकिस्तानी सोमोन इज द करेंसी ऑफ तजाकिस्तान. हु इज द ऑथर ऑफ खलिस्तान कॉन्स्पिरेसी, खलिस्तान कॉन्स्पिरेसी के ऑथर को नहीं अपने बताना है, फॉर्मर रॉ ऑफिसर GBS सिंधु इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. GBS सिंधु हैं इसके ऑथर, खलिस्तान कॉन्स्पिरेसी. एंड ये क्वेश्चन आपके लिए, हु हैज बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड फॉर 1 डे टू रेज अवेयरनेस अबाउट जेंडर इक्वालिटी, तो एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर कौन बनाई गई थी 7 अक्टूबर को, ये बताओ. एंड इसके बाद हैं जी आपके लिए ये 5 क्वेश्चंस, ये आपने बताने. फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो, इनके चेयरमैन कौन है. हु इज़ द सी ऑफ SBI कार्ड्स हुज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल वुमेंस डे ऑन 13th February, ये बताओ. हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, ये बताओ. एंड द लास्ट वन इज़ रेणुका लेक इज़ इन विच इंडियन स्टेट,
तो ये पांच क्वेश्चंस आपने बताने, ट्राई टू आंसर बाय योरसेल्फ। इनके आंसर्स तो मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा, जैसे मैं आज आपके साथ आंसर शेयर कर रहा हूँ जो मैंने कल क्वेश्चंस आपसे पूछे थे। ओके, यूनिसेफ की जो एम्बेसडर बनाई गई है टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मानशली चिल्लर। ओके, गोल्डन बर्ड विंग इज अ स्पीशीज ऑफ विच एनिमल? बटरफ्लाई। वेस्ट एड इज नोन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। केरल। नोट्स ऑफ ड्रीम इज द बायोग्राफी ऑफ ए आर रहमान एंड इंडिया जमेज टू इसराइली संजीव कुमार शेंगला। ओके, तो ये पांच क्वेश्चन आपने इनके आपको मैंने शेयर कर दिए। नाउ इनके आंसर्स आपने मुझे बताने, ट्राई टू आंसर बाय योर सेल्फ। कल मैं इनके आंसर्स आपके साथ शेयर करूँ। एंड गाइज, आई एम सो सॉरी कि आज आपको मेरी वॉइस तो बिल्कुल आपको लो लग रही है, आई नो, बिकॉज एक्चुअली मेरी थोड़ी सी हेल्थ, मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, फीवर था थोड़ा एंड थोड़ा कफ भी था, एंड सडन ये तबीयत ख़राब हो गई, मुझे नहीं पता चला एंड हाउ, बट स्टिल आई थिंक एवरीथिंग इज़ क्लियर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, एंड बाकी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।